फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जियोग्राफी ने भूगोल के। ये सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन से आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन से बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। कमेंट करने से ये होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मतलब ग्रो होता है, वो मतलब हाई होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। Which of the following scholar is not related to human geography? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया है, सैंपल, रेडजेल या फिर बटरेड रसेल या फिर हटिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बटरेड रसेल। यानी बटरेड रसेल जो एक ये हैं स्कॉलर हैं, तो ये किससे मतलब संबंध नहीं रखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल से ये संबंध नहीं रखते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ठीक है, अब सेकंड नंबर में पूछा गया, सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखिए, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक यानी प्रवास यानी माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले दो कारक के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था थ्योरी में। प्रवास क्या होता है, मानव अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसे को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। लेकिन जाता क्यों है, क्या मजबूरी आती है, यानी प्रतिकर्ष कारक यानी प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दो कारक बताए थे। एक था आपका प्रतिकर्ष कारक, एक क्या था प्रतिकर्ष कारक, दूसरा था आपका अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक जो होता है आकर्षित करता है, यानी अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा, अच्छा वेतन, अच्छा रोजगार, तो ये हो गया अपकर्ष कारक। और प्रतिकर्ष कारक जो है ये प्रकृति की तरफ से आता है, यानी प्रकृति की तरफ से कौन सा कारक हो जाएंगे, बाढ़ हो जाएंगे, सुनामी हो जाएंगे या फिर कोई महामारी हो जाएगा, जल का अभाव हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा, ये सब क्या है प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, ये जो है जो ये क्या है मतलब प्रकृति का तरफ से आता है, बार वगैरह क्या हो गया प्रकृति का तरफ से आता है। लेकिन आपके सामने ऑप्शन रखा गया, जल का अभाव, बेरोजगारी, शिक्षा और सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, महामारी प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, शिक्षा और सुविधा, ये क्या है शिक्षा और सुविधा जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ये किसका तरफ से आते हैं, ये अपकर्ष कारक है, ये क्या है अपकर्ष कारक है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। यानी आबादी को यानी जनसंख्या को दो वर्ग में बांटा गया, एक था आपका नगरीय आबादी, एक था आपका ग्रामीण आबादी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आबादी है नगरीय आबादी वह कहां है 90% से अधिक। ठीक है, तो ये जो है उत्तरी अमेरिका में, कहां है नॉर्थ अमेरिका में। इन विच कंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर देन 90% अर्बन पॉपुलेशन, तो क्या हो जाएंगे नॉर्थ अमेरिका, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की। ठीक है, यानी मानव विकास सूचकांक यानी HDI जिसको बोलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये HDI किसके तरफ से जारी किया जाता है, UNDP का तरफ से 1999 में सबसे पहले जारी किया गया था। तो ये जो है ये अवधारणा जो प्रस्तुत की, ये मतलब इसका जो संकल्पना दी थी डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। ये कहां के हैं, पाकिस्तान के रहने वाले थे, ये अर्थशास्त्री थे और ये पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और ये अमर्त्य सेन से मतलब अच्छे खासे इनकी फ्रेंडशिप यानी दोस्ती थी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट में पूछा गया कि फूलों की कृषि को क्या कहते हैं, यानी फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड क्या कहते हैं, उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फ्लोरिकल्चर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, जनरली हम लोग तीन प्रकार के, पूंजीवादी यानी अमेरिका इसका मतलब अगुवाई कर रहा था, उसमें प्राइवेट सेक्टर होता है यानी यानी साधन का क्या होता है, संसाधन का निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी में, समाजवादी में क्या होता है कि सरकार का अधिकार होता है, वह समाज के लिए, पूरा समाज, पूरा गरीब के लिए मतलब सोचता है, पूरा गरीब के मतलब भलाई के लिए, कल्याण के लिए सोचता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें सरकार का भी भागीदारी रहती है और जो है पब्लिक का भी यानी जनता का भी भागीदारी रहती है। यानी हमारे देश भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना, क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं, समाजवादी भी दिया आपका बीच में। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म इकोनॉमी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चैनल टनल जोड़ता है, ये चैनल टनल क्या है, ये पेरिस लंदन में। ठीक है, यानी चैनल टनल जो है एक रेलवे सुरंग है और इसकी लंबाई जो है लगभग 50.45 आता है लगभग किलोमीटर में। ठीक है, और इसे यूरोप टनल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यूरोप टनल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन करा कि चैनल टनल जोड़ता है, ये जो जोड़ता है पेरिस को लंदन से जोड़ता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवंथ नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करा कि सार्क संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है, इसमें कितने कौन कौन आते हैं, इंडिया आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, बांग्लादेश आते हैं, उसके बाद नेपाल आते हैं, भूटान आते हैं, उसके बाद आते हैं श्रीलंका। ठीक है, यानी श्रीलंका, उसके बाद मालदीव,
और अफगान आते हैं, ठीक है, यानी भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका मालदीव और अफगान, टोटल कितने हैं 8 सदस्य, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको नाम भी याद रखना है, आपको नाम भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। आपको नंबर दिया जाएगा 3-4 नंबर, आपको कह दिया जाएगा कि सार्क संगठन के सदस्यों का नाम लिखा है, ठीक है, तो आपको वहां नंबर दिया जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे तभी तो क्वेश्चन डील कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है, पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैनबरा या फिर अदिस अबाबा या फिर मास्को या फिर इस्तांबुल। तो ये जो हो जाएंगे अदिस अबाबा, क्या हो जाएंगे अदिस अबाबा, ये कहां है इथियोपिया, यानी इथियोपिया में है अदिस अबाबा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हु हैज यूज्ड द मेगापोलिस इज फास्ट, यानी वर्ड यू मेगापोलिस इज एट फास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल किया था यूज किया था वो किसने किया था, तो ये जो किए थे जीन गॉटमैन, कौन किए थे जीन गॉटमैन ने की थी, ठीक है, यानी जीन गॉटमैन ने मेगापोलिस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, और इसका उपयोग में ये जो किए थे 1967 में किए थे, कब किए थे 1967 में इसका उपयोग किए थे, इन्होंने बड़े नगरों के लिए किए थे, किनके लिए बड़े नगरों के लिए मेगापोलिस का इस्तेमाल किया था जैन गवर्नमेंट ने 1967 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः पाए जाते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, कौन सा क्रियाकलाप, कृषि खेती की जाती है ना ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि खेती की जाती है, तो क्या हो जाएंगे कृषि क्षेत्र, जो कृषि जो कार्य है कृषि से संबंधित जितने भी कार्य है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी, भारत में जो प्रथम जनगणना है वो कब की गई थी, ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन में, तो ये की गई थी 1872 में की गई थी, ठीक है, ये कब की गई थी 1872 में की गई थी, 12वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 में। ये ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटेन का सरकार था उसमें ब्रिटेन वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा किराई गई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है, वो लोग मतलब जनसंख्या कराते थे कि कहीं जनसंख्या तो बढ़ नहीं रहा, मतलब अपना औपनिवेशिक राज्य को स्थापित करने के लिए वो लोग कुछ भी करते थे, जनसंख्या को आंकते थे, अगर ज्यादा अगर इंडियन की संख्या बढ़ती थी वो लोग क्या करते थे कि इंडियन को ज्यादा मतलब प्रताड़ित करते थे, ठीक है, कि आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी कंट्रोल करेंगे, या फिर बहुत सारे मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारी मुसीबत उन पर ढाए जाते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है, ठीक है, किस देश में, सूरीनाम में मॉरिशस में फिजी में या फिर न्यूजीलैंड में, ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे न्यूजीलैंड में, यानी क्रिकेट टीम काफी फेमस है न्यूजीलैंड का, तो ये जो है न्यूजीलैंड में, यानी न्यूजीलैंड में भारतीय अप्रवासियों की जो संख्या है वो सबसे कम है, यानी संख्या कम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मिनिमम नंबर ऑफ इंडियन इमिग्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के, क्या पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है, स्त्री साक्षरता दर, तो बिहार हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे बिहार, न कि जम्मू कश्मीर या फिर झारखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट, यानी किसके लिए, सॉरी ये किसके लिए मतलब इस तरह की साक्षरता दर जो सबसे कम है वो कहाँ है, बिहार में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकीर्ण बस्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नहीं पाई जाती है, शुष्क क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, फिर जलोढ़ मैदान में, ठीक है, तो ये जो नहीं पाई जाती है जलोढ़ मैदान में नहीं पाई जाती, कहाँ, यानी प्रकीर्ण बस्तियों की जो प्रकार होती है, पल्लवी बस्ती पढ़ाया गया आपको, गुच्छित बस्ती, अगुच्छित बस्ती ये पढ़ाया गया, यानी बस्ती के जितने भी प्रकार होते हैं सारा चीज आपको क्लियर कराया गया थ्योरी वाला वीडियो में, ठीक है, नहीं देखिए तो चैनल का प्लेलिस्ट में वहां से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अगर पढ़े हैं तो अच्छा तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, हो सके आपका कोई भी पॉइंट छूटा हो तो वहां पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो थ्योरी कवर किया गया है उसमें सारा पॉइंट है, कोई भी थ्योरी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्ण बस्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां नहीं पाई जाती जलोढ़ मैदान में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर नहीं है, पर्यटन नगर होता, सांस्कृतिक नगर होता, औद्योगिक नगर होता, जमशेदपुर के औद्योगिक नगर है, उसके बाद अजमेर के मतलब सांस्कृतिक नगर है, उसी तरह से पर्यटन नगर कौन है, ठीक है, नैनीताल, अंकलेश्वर, कानपुर या फिर पटना, निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है, तो ये जो हो जाएंगे नैनीताल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे नैनीताल जो है वह एक पर्यटन नगर है, टूरिस्ट टाउन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि रत्नगिरी भारत के लिए किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है, यानी रत्नगिरी भारत में के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर गोवा या फिर महाराष्ट्र, तो ये जो आते हैं ये आते हैं आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत, किसके महाराष्ट्र के अंतर्गत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग, यानी सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द विच इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन
तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है 18 नंबर क्वेश्चन का। तो ये जो सूती कपड़ा उद्योग जो है महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा उद्योग स्थापना किया गया था, तो ये महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र जो है सूती कपड़ा उद्योग में सबसे मतलब अधिक डेवलप्ड है, मतलब अधिक मतलब उन्नत राज्य है, ज्यादा मतलब विकसित कर लिया है इस क्षेत्र में, सूती कपड़ा उद्योग वाला क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है, सूखा संभावित क्षेत्र 19 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड, विच वन इज द ड्रफ प्रोन एरिया, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गुजरात, यानी गुजरात जो है वो क्या है मतलब इनमें से सूखा संभावित क्षेत्र है, या मतलब ज्यादा मतलब सूखा पाया जाता है, सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, ठीक है, विच वन the following is the longest नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, NH की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा लंबा है, सबसे ज्यादा जिसकी लंबाई है वो आपसे पूछी जा रही है। तो ये जो है NH7, क्या हो जाएंगे NH7, ये NH7 नाम बदल के इसका NH44 कर दिया है। अगर आपको NH7 की जगह 44 दे दे तो आपको 44 करना है, अगर NH7 दे तो NH7 करना है, ये दोनों नहीं देख सकते आपको एक साथ ऑप्शन में, NH4 होगा तो NH7 नहीं होगा, NH7 होता है NH44 नहीं होगा, NH7 का नाम अभी क्या है NH44 है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अभी लेटेस्ट बुक आएंगे या फिर अभी जो नया वर्जन का बुक आएगा तो उसमें NH44 दे सकता है, तो NH44 आपको करेक्ट आंसर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, बिटवीन विच टू स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया वाज रन, ठीक है, मुंबई से थाने, पुणे से अहमदाबाद, मुंबई से थाने या फिर मुंबई से पुणे है, या फिर मुंबई से थाने या फिर हावड़ा से खड़गपुर, तो ये जो हो जाएंगे मुंबई से थाने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 में पूछा गया कि अम्ल वर्षा का कारण है जल प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण, तो अम्ल वर्षा का कारण है तो क्या हो जाएंगे वायु प्रदूषण, यानी अम्ल वर्षा का कारण है तो वायु प्रदूषण है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो ये जो हो जाएंगे यहां हो जाएंगे CO2, क्या हो जाएंगे CO2, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, लगभग ये क्वेश्चन पेंडिंग में जाने देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता, CO2 होना चाहिए, लेकिन आपका दिया SO2, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेंडिंग में जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, उनको आप लोग नहीं देखेंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर है, 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ये कौन सा नदी में है, ये आपका है कृष्णा नदी में, किस में, कृष्णा नदी में। ऑन विच रिवर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड, तो क्या हो जाएंगे कृष्णा नदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लंबाई जो लगभग इसकी 1550 किलोमीटर है, कितना 1550 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25 में पूछा गया कि नोआमुंडी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नोआमुंडी है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वही आपको बताना है, लोहा, कोयला या फिर मैग्नीज या फिर अभ्रक, तो ये जो है लोहा के लिए प्रमुख है, किसके लिए, लोहा के लिए प्रमुख है। 26 क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस राज्य में ब्रॉस यानी बांस ड्रिप सिंचाई की जाती है, तो ये जो की जाती है मेघालय में की जाती है, बांस ड्रिप सिंचाई यानी बांस की सहायता से ऐसा अरेंजमेंट की जाता है, ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, उसी की सहायता से सिंचाई की जाती है, खेती की जाती है, मतलब खेत में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का अधिकोष विदेशी व्यापार किस परिवहन साधन से होता है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार अधिकोष कर दिया, अधिकांश हो गया, ठीक है, तो अधिकांश विदेशी व्यापार किस साधन के माध्यम से होता है, स्थल और सागर, स्थल और वायु, वायु और सागर या फिर सागर। 27 नंबर क्वेश्चन का, तो ये हो जाएंगे वायु और सागर, क्या हो जाएंगे वायु और सागर। 28 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, रुई, मूंगफली या फिर सरसों या फिर मक्का, तो ये जो हो जाएंगे कौन खरीफ फसल नहीं होगा, ये हो जाएंगे सरसों, क्या हो जाएंगे, ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना क्वेश्चन कवर किए, 28 क्वेश्चन कवर किए, सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छा मेटेरियल होना जरूरी है जो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। पिछला ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, पिछला ईयर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो मॉडल पेपर होता है, वो सारा चीज आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।